और भाई क्या हाल है? जी सर ठीक। घर में सब ठीक है? जी सर सब ठीक है। हाँ, सबको ठीक होना चाहिए। यार तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी जी बोलिए सर। दानिश, वो लंदन तक चलोगे मेरे साथ? जी सर, मैं समझा नहीं। देखो यार, तुमसे क्या छुपाना, वो लंदन एक कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ मैं, लेकिन मैं अब तक काम को सही से समझा नहीं हूँ, और हाशमी साहब की तबीयत भी ऐसी नहीं कि वो कॉन्फ्रेंस में जा सकें। तो मैं चाह रहा था कि कोई ऐसा बंदा मेरे साथ चले जो सब कुछ संभाल सके। तो अगर तुम चाहते हो तो तुम चलो, वहाँ चल के सारी बात तुम करना। बोलो क्या कहते हो? सर मैं लंदन जाऊँगा? अजीब आदमी है भाई, जब कॉन्फ्रेंस लंदन में तो लंदन ही जाएगा ना। हाँ सर वो तो है, लेकिन क्या लेकिन? अरे भाई देखो, हाशमी साहब ने मुझे कहा है कि मेरी मर्जी में जो भी करूँ, तो मुझे ऑफिस में सबसे बेहतर तुम लगे हो। तो मैंने हाशमी साहब से बात की, उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है। तुम बताओ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं ज़रूर चलूँगा। तो फिर एक काम करो, फ़ौरन अपना पासपोर्ट बनवा लो, बल्कि काम करो, हम दोनों चल के अपना पासपोर्ट बनवाते हैं, ठीक है? ठीक है सर बिल्कुल। अच्छा, ज़रा इस बात का ख्याल रखना कि इस बारे में ऑफिस में किसी को पता ना चले, ख़ासतौर पर बीना को। जब सारा काम हो जाएगा ना तो फिर भले बता देना, ठीक है? सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। शुक्र है तुम चल रहे हो मेरे साथ, अब सुकून मिला थोड़ा मुझे। बस याद रखना, वहाँ चल के ना सारी बातें तुमको करनी, मैं तो बस साइड पे खड़ा होगा ना, मैं मुस्कुराता रहूँगा, हैं ठीक है? जी सर मैं समझ गया, मैं आज ही सारी डिटेल्स निकाल लेता हूँ कि वहाँ पे मौजूद किन पार्टी से कौन से पॉइंट से बात करनी है। हाँ ठीक है। ये घोरे ना मुझे जहर लगते हैं भाई, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद उनसे ना बात, तुम ही करना, मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा भाई। हाँ जी सर मैं समझ गया। ठीक है, बस अब जाओ और काम पर लग जाओ। ठीक है सर।